जो जस्ट इन टाइम डिमांड पुल लॉजिक है वो क्या है लेट्स लुक एट दैट जैसे मैंने बताया कि जो मटेरियल uh, है वो पुल होता है वर्क सेंटर से uh, जितना भी uh, उसकी जरूरत होती है उसके मुताबिक uh, तो वो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला वर्क सेंटर जब उसमें नीड आएगी प्रोडक्ट uh, की बनाने की तो वो अपस्ट्रीम से मटेरियल पुल करेगा और उसके ऊपर काम कर कर उसकी प्रोडक्शन वो करेगा इट इज रिवर्स ऑफ पुश सिस्टम जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि पुश सिस्टम में हम मटेरियल पुश करते हैं अपस्ट्रीम वाला पुश करता है अकॉर्डिंग टू अ शेड्यूल अकॉर्डिंग टू अ प्लान वेदर द डाउन स्ट्रीम वर्क सेंटर नीड्स इट और नॉट वो पुश करेगा और वो उसकी वजह से इन्वेंट्री बिल्डअप होगी पुल सिस्टम की वजह से uh, जो कोऑपरेशन है बिटवीन वर्कर्स वो बढ़ती है ट्रस्ट बढ़ता है ट्रस्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ट्रस्ट क्या है कि अपस्ट्रीम वाले वर्क सेंटर जो यूनिट्स uh, प्रोड्यूस कर रहा है डाउनस्ट्रीम वाला ट्रस्ट कर रहा है कि वो जो प्रोडक्शन है वो परफेक्ट प्रोडक्ट दे रहा है उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होगा सो दैट टाइम वेस्ट ना हो उसको बार बार इंस्पेक्ट करने का uh, ये जो है सिस्टम uh, ये ओवर प्रोडक्शन भी नहीं करता और अंडर प्रोडक्शन भी नहीं करता है जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये प्रोडक्शन होती है ये स्टार्ट कहां से होती है बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर कस्टमर की तरफ से डिमांड आती है वो डिमांड जो है उसको मीट करना है तो वो मीट करने के लिए कस्टमर लट से एक यूनिट उसको चाहिए उसने फाइनल असेंबली से एक यूनिट ले लिया है रिसीव कर लिया है और वो फाइनल असेंबली से कस्टमर को डिलीवर हो गया क्योंकि कस्टमर ने वो डिमांड की अब क्या चाहिए कि फाइनल असेंबली नीड के उसकी वो जो एक यूनिट कस्टमर ले गया अब वो यूनिट प्रोड्यूस करके रख लिया जाए या उसके लिए मटेरियल ले जाए सो दैट नेक्स्ट टाइम कस्टमर क्वायर करता है एक और यूनिट तो वो प्रोड्यूस कर उसको कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया जाए सो पुल हो रहा है मटेरियल टर्ड्स द कस्टमर नाउ फाइनल असेंबली क्या करेगी दे विल आस्क द सब असेंबली टू प्रोवाइड मटीरियल फॉर वन प्रोडक्ट वन यूनिट क्योंकि वो वन यूनिट कस्टमर ले गया अब उसके लिए इनको मटीरियल uh, चाहिए सब असेंबलीज चाहिए जिसकी वजह से वो जब फिर डिमांड आएगी तो उसको सब को मिलाकर वो अपनी फाइनल असेंबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेंगे सो मटीरियल विल बी पुल्ड बाय द फाइनल असेंबली फ्रॉम सब असेंबली सो यह जो मटीरियल पुल होगा और उस बेसिस के ऊपर सब असेंबलीज उनको प्रोवाइड करेंगे अब क्या होगा कि सब असेंबलीज क्योंकि सब असेंबली ने मटीरियल दे दिया एक एक प्रोडक्ट के इक्विलेंट तो अब उनको मटीरियल चाहिए फ्रॉम लेट्स ए फेब्रिकेशन डिपार्टमेंट कि जी वो उनके जो प्रोडक्ट चले गए हैं सब असेंबली चली गई हैं उसके लिए प्रोड्यूस करने के लिए उनको मटेरियल चाहिए तो वो फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट से वो मटेरियल डिमांड करेंगे और सो दैट नेक्स्ट टाइम जब डिमांड आए फाइनल असेंबली की सब असेंबली को तो सब असेंबली वाले उसको प्रोड्यूस कर अपनी सब असेंबली फाइनल असेंबली को प्रोवाइड कर दें तो अगेन पुल सिस्टम के बेसिस पर हुआ अब फैब्रिकेशन ने दे दिया मटेरियल टू सब असेंबली तो अब उनको जरूरत है तो वो अपने वेंडर्स को कहेंगे कि आप हमें मटेरियल प्रोवाइड करें तो हो ये रहा है कि अगर कहीं भी इस दरमियान ब्रेकडाउन हो जाता है पूरा का पूरा सिस्टम शटडाउन हो जाएगा इन्वेंट्री कहीं भी बिल्डअप नहीं होगी क्योंकि डिमांड नहीं आएगी या आगे मटेरियल नहीं पहुंचेगा प्रोडक्शन नहीं होगी वो सब कुछ रुक जाएगा सो तो वेंडर जो है वो फिर आगे फैब्रिकेशन वालों को मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो पुल सिस्टम के जरिए ये मटेरियल फ्लो हो रहा है और ये प्रोसेस अगर जस्ट इन टाइम के फिलोसफी देखी जाए तो ये थ्रू आउट इन वेंडर्स के जो सप्लायर्स हैं वो भी जस्ट इन टाइम पर बेस करेंगे एंड सो ऑन तो ये पूरी एंटायर सप्लाई चेन जो है वो इस पुल सिस्टम के बेसिस के ऊपर मटेरियल फ्लो uh, होगा अगर सब जगह जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंट हुई हुई है तो ये बार बार इसी तरह ये मटेरियल मूव करेगा कस्टमर डिमांड करेगा कस्टमर को फाइनल असेंबली दे रही है फाइनल असेंबली फिर सब असेंबली से मांगेगा एंड सब असेंबली फैब्रिकेशन वालों से मांगेंगे एंड सो ऑन पुल सिस्टम के जरिए ये मटेरियल फ्लो करेगा लेट्स लुक एट के ये कैनबैन सिस्टम क्या है इसके अंदर देयर आर टू जैसे मैंने बताया था टू कैन बैन वन इज विड्रॉल कैन बैन एंड द अदर इज प्रोडक्शन कैन बैन विड्रॉल कैन बैन ऑथोराइज इज विड्रॉल ऑफ मटीरियल वेयर इज प्रोडक्शन कैन बैन ऑथोराइज इज प्रोडक्शन ऑफ मटीरियल अब इसके अंदर क्या है कि दिस इज द डाउन स्ट्रीम वर्क सेंटर और इसकी डिमांड कस्टमर ने इसमें से डिमांड की और वो प्रोडक्ट आगे चले गए जितने भी उसके कंटेनर के अंदर थे अब यह कंटेनर जो है इसके साथ प्रोडक्शन कैन बैन अटैच है यह कंटेनर वो अपने स्टोर में लेकर जाएगा खाली कंटेनर क्योंकि ये खाली हो गया इसके साथ प्रोडक्शन का कैन बैन अटैच है और उधर से वो भरा हुआ जो है वो विड्रॉ कर लेगा अपने उधर से वो नेक्स्ट प्रोडक्शन शुरू कर दे अब क्योंकि ये खाली हो गया है, तो ये जो बेसिकली स्टेप थ्री के अंदर जो अपस्ट्रीम वाले वर्क सेंटर है उसका जो स्टोरेज है फिनिश प्रोडक्ट का ये खाली कंटेनर उधर चला जाएगा और उसके ऊपर बेसिकली जो वर्क सेंटर बी है उसका इसके अंदर विड्रॉल कार्ड इनके साथ अटैच होता है वो विड्रॉल कार्ड के साथ इस वर्क सेंटर में जाएगा और इधर से मटेरियल को वो विड्रॉ करेगा और रिप्लेस कर देगा जो विड्रॉल कार्ड है उसको रिप्लेस कर देगा विद प्रोडक्शन कार्ड खाली कंटेनर पर और भरा हुआ कंटेनर वो अपने साथ अपने उधर स्टोर में ले जाएगा ये वर्क सेंटर बी का स्टोर है और ये वर्क सेंटर ए का इनपुट वाला स्टोर है और ये फिनिश प्रोडक्ट का स्टोर है तो बेसिकली इसने रिमूव किया खाली कंटेनर विद विड्रॉल कार्ड ये वर्क सेंटर ए के पास ले गया उधर उसने भरा हुआ कंटेनर उसके ऊपर प्रोडक्शन कार्ड लगा हुआ था उसको उसने प्रोडक्शन कार्ड को रिप्लेस किया अपने विड्रॉल कार्ड से और विड्रॉल कर अपने वर्क सेंटर में ले आया जो खाली कंटेनर है जो कि यह था इसके अंदर अब प्रोडक्शन कार्ड अटैच कर दिया गया है ठीक है ना जो मैंने बताया कि उसको रिप्लेस कर दिया विड्रॉल कार्ड से और प्रोडक्शन कार्ड खाली पे लगा दिया अब यह खाली कंटेनर जो है यह वर्क सेंटर ए के पास प्लेस कर दिया जाएगा जो प्रोडक्शन कार्ड है वो नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा कंटेनर उधर रख दिया जाएगा सो so दैट नोटिस बोर्ड पर जब वो जो ऑपरेटर है वर्क सेंटर ए का वो जब उस नोटिस कार्ड पर प्रोडक्शन का कार्ड देखेगा तो दैट के ऑथोराइज कर दिया गया है वो प्रोडक्शन कर दे और वो अपनी प्रोडक्शन शुरू करेगा उस प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए ऑब्वियसली ही विल नीड मटेरियल फ्रॉम इनपुट एरिया वो मटेरियल लेगा जो खाली कंटेनर है उसको वो मूव करेगा टू अपस्ट्रीम वर्क सेंटर वहां जाकर उसी तरह रिप्लेस करेगा अपना विड्रॉल करेगा मटेरियल प्रोडक्शन कार्ड से रिप्लेस करके प्रोडक्शन कार्ड वो जो उससे उसका अपस्ट्रीम वाला वर्क सेंटर है उसके पास चला जाएगा और वो ऑपरेटर जो है वो प्रोडक्शन ऑथराइज हो जाएगी प्रोडक्शन तो वो फिर अपनी मटेरियल विड्रॉ करेगा एंड ये सीक्वेंस थ्रू आउट चलेगा ये प्रोडक्शन और विड्रॉल कार्ड ये दो वर्क सेंटर के दरमियान मूव करते रहेंगे और ये ऑपरेशन होता रहेगा और इसी तरह इसका ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट होगा जैसे मैंने बताया बी वर्क सेंटर उसने प्रोडक्शन करनी है उसने विड्रॉल किया इनपुट सेंटर से एंड देन उसका वो आगे चला गया एंड सो ऑन ये ए के पास एंड ए को प्रोडक्शन की ऑथोराइजेशन uh, हो गई ए ने प्रोडक्शन शुरू कर दी विड्रॉल कर कर मटीरियल तो ये एक कैनबैन सिस्टम है जो कि पेपरलेस सिस्टम है वही कार्ड वही कंटेनर बार बार इस सिस्टम के अंदर यूज होते हैं और उसके अंदर पेपर से ऑर्डर रिलीज नहीं होता इट इज पेपरलेस सिस्टम पेपरलेस एनवायरनमेंट और इसके अंदर किसी किस्म की इन्वेंट्री जो है एक्स्ट्रा वो बिल्डअप नहीं होती